लुटेरी दुल्हनों के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ लोगों को लूटती है बल्कि ये दुल्हन दबंग भी है। शादी और लूट करने के बाद ये दूल्हे को धमकाने से भी पीछे नहीं हटती और ना ही ये मोहतरमा ससुराल में टिकती हैं। शादी, लूट और धोखेबाजी, शादी और लूट की वो दास्तां जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। ससुराल में नहीं टिकती ये दुल्हन, लाखों डकारने के बाद पति को देती है धमकी, कहती है जो करना है कर लो। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? पूरी सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से देखिए इस मासूम दिखने वाले चेहरे को। लेकिन इस चेहरे पर मत जाइएगा, भोली भाली सी दिखने वाली ये वो शख्स है जो लाखों डकारने के बाद अपने ही पति को धमकी देती है। जी, लाखों। आइए जानते हैं क्या है मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे की असली सच्चाई। दरअसल पंजाब के फाजिल्का में स्वामी कॉलोनी के रहने वाले जितेंद्र कुमार सिंह का विवाह जून महीने में गांव काटगढ़ की लड़की निशा के साथ हुआ था। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से ये विवाह साधारण तरीके से संपन्न हुआ, वो भी बिना किसी लेन देन के, जिसमें लड़के पक्ष की तरफ से लड़की को 20 तोला सोना दिया गया। विवाह के दो दिन बाद ही लड़की के मायके वाले उसे अपने साथ ले गए और दो दिन बीत जाने के बाद जब लूट का शिकार हुआ जितेंद्र अपनी पत्नी को लेने गया तो परिवार वालों ने उसके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया और बेइज्जत करके घर से निकालते हुए कहा, जो करना है, जहां शिकायत करनी है कर लो। दर्द सुनिए लूट का शिकार हुए इस दूल्हे की। अब नानकिया को गए पिंड सोना सा लड़के, उन्होंने लैके जो असी काठगढ़ कुछ लड़की उन्होंने घर गए तो उन्होंने बहुत गाली गलोच किया और साढ़े तो इल्जाम लगाया कि ये लड़की रात को मारन की कोशिश की है, ये लड़की ना बहुत जबरदस्ती की है। जो काफ़ी देर उतों बैठन तो बाद गलबात करने बाद आखिर हार मेरी सस जो कि कृष्णा राणी ने कहा कि असी तो ठगी वाला काम है साडा, असी ये ठगी मारनी सी असी मार ली, जो होना है करना है कर लो, जा कोर्ट है जा थाना तुहाडी जिथे विवाह चलती ला लो। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित के पूरे परिवार का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। साडे लड़के की शादी निशा राणी नाल पिंड काठगढ़ विखे हुई है। लॉकडाउन के मतलब शॉर्टकट के घरेलू असी मतलब पूरा परिवार के गए हैं, होर असी वड्डी शादी नहीं की, तो गए हैं बिल्कुल इत्थे। उन्हें लड़की ने आके साडे नाल ठगी की, आके उसका माँ प्यो पूरा ठग है जी, क्यों फिल्मी स्टाइल इन्हों करता है, अपनी शादी करता है, अगे भी ठगी मारी इन्होंने और साढ़े नाल ठगी मारी आ, 20 लाख 20 तोले साडा सोना जिहड़ा लै गई है, 80,000 रुपये नगद इतों लै गई कट के जी, यानी जिहड़ा जुड़िया सी मतलब जो सानू सगन पै सी वह पर्स पा के लै गए, सानू नहीं दिखाया जाके साढ़े नाल कितनी ठगी इन्होंने जी। बेटा जितेंद्र कुमार है जी, इन्हों से बड़े चावों नाल विआया है, विआह के लिया निशा राणी पिंड काठगढ़ तो, घर आ के वधिया दो दिन रहिए, मैनू मावां तो वध समझदी सी वी जो कुछ हैगे तुसीं हैगे, ते बड़ा वधिया व्यवहार किया उन्हें, असीं उहदे नाल बहुत वधिया किया। जदों ऐतवार नूं लै गए संडे नूं अपने घर, उस तों बाद उहदी नीयत बदल गई वी मेरे इत्थे सोना आ गया ते वी हुण मैं इहनां नूं की जाणनी है। 80,000 रुपया जी, असीं प्रशासन तों मंग करने जी वी सानूं हक दवाया जाए, तो उहनां ते असीं FIR दर्ज करवाई भी ते सानूं आपदा इंसाफ दित्ता जाए। इंदी 5 जून नूं निशा राणी दे नाल शादी हुई सी, सिंपल ढंग नाल शादी हुई सी, पर निशा राणी दे जो शादी करके लैके आए हुए सी उदों तां बहुत वधिया भोले भाले लोग लगते सी, जदों उस तों बाद पता लगा दो दिन रहन तों बाद कुड़ी दा फैमिली लैन आए आ, वापस लैके चले गए, उस तों बाद इन्हां ने जदों लैन जाना सी पर उन्होंने पहलां ही इन्हां नूं फोन करता भी तुसीं कुड़ी नूं लैन वास्ते नहीं आउणा, तो असी जी ठगी तो मारनी सी क्योंकि 20 तोले सोना लै गई आ, तो 80,000 रुपया नकद लै के गई आ। ठगी का शिकार हुए पीड़ित दूल्हे ने इसकी शिकायत फाजिलका पुलिस से की। जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने जितेंद्र कुमार की पत्नी निशा रानी और उसके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। मामले में फाजिलका SHO मुखी बचन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जतेंद्र कुमार सानप गुरदास सिंह वासी राज स्वामी कलोनी ने एक दरखास्त मानयोग SSP साहब ने दी जिस की इनकुआरी EO विंग फाजिलका ने की है।
यूविंग की इनकुआरी करने लड़की निशा राणी उस दे तीन परिवारक मैंबर से चार एफ आई आर नंबर 151 379 420 120 तहत दर्ज की है। डिटेल असी एफ आई आर दर्ज की, अगर इन्वेस्टिगेशन जो कुछ आऊगा वो सामने लगा जाऊगा। फाजिलका के दो दिन की दुल्हन लाखों रुपए के गहने और 80,000 रुपए की नकदी लेकर तीसरे ही दिन फरार हो गई और अब पीड़ित परिवार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर कब तक ये ठग ऐसे ही भोले भाले लोगों को ठगते रहेंगे? क्या ये पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन पर लगाम लगाएं? आखिर कब तक यूं लोगों को अपने खून पसीने की कमाई यूं गायब होने पर थानों का चक्कर काटना पड़ेगा? पुलिस इन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाती? ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।